गुड मॉर्निंग। इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जस्ट एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। यू हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट रेशनल नंबर। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रेशनल नंबर। फर्स्ट थोड़ा रिपीट कर लेते, रेशनल नंबर होता क्या है। The number in the form of A by B, where A and B are two integers and B is not equal to zero. Means कि अगर two integer A और एक integer B लेते हैं और उसको as a fraction लिखेंगे, A means numerator और B means denominator. A and B two integer लेना है और A और B two integer होगा और B का value not equal to zero, मतलब B जो होगा denominator जो होगा zero के equal नहीं होगा, then वो rational number होगा। अब rational number का two type बोल सकते हैं, एक positive rational number, एक negative rational number। positive rational number बोले तो जो भी plus में होगा, जो भी rational number का value 2/3, 3/4, but value होना चाहिए। ये -3/-4 इसको भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही लेंगे, जैसे ये माइनस माइनस ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आया। और फिर निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, तो निगेटिव रेशनल नंबर का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर टू टाइप का है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो आप लोग के क्लास के अकॉर्डिंग थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जो है उसके बारे में जानना है। तो थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर जैसे ए बाई बी के फॉर्म में अगर रेशनल नंबर रहेगा तो उसमें एक न्यू जो भी कोई डिजिट आएगा उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे एम लिए तो न्यूमिनेटर में भी एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी आएगा, जैसे एक न्यू रेशनल नंबर फॉर्म हो रहा है, तो ए बाई एम एंड बी एम मीन्स क्या, रेशनल नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे 3/4 लिए और एम का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी, तो 6/8 आया। 6/8 को अगर हम फिर से उसको लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट टर्म में ले जाने का करते हैं, तो 2 3 6, 2 4 8, 3/4, दैट रेशनल नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इसके इक्विवेलेंट बहुत सारे रेशनल नंबर को बहुत सारे रेशनल नंबर फॉर्म हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ए बाई बी के फॉर्म में रेशनल नंबर रहेगा लेकिन उसको डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड करेंगे जो भी डिजिट ऊपर नीचे दोनों सेम ही डिजिट रहेगा। तो फिर जैसे एक एज एग्जांपल 4/8 एज ए रेशनल नंबर, 4/8 न्यूमिनेटर आल्सो डिवाइडेड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर आल्सो डिवाइडेड बाय 2, देन 4/2 एंड 2 और फिर 8/2 इक्वल टू 4, 2 एंड 4 को फिर से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, 2 1 2, 2 2 4 और 4 1 4, 4 2 8 क्या आ रहा है, लेकिन रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट रेशनल नंबर न्यू रेशनल नंबर फॉर्म जरूर हो रहा है। 4/8 था तो 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको 2/4 भी लिख सकते हैं। अब थर्ड एक रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है, थर्ड रेशनल नंबर क्या है, लाइक ए एंड बी, अब ए और बी एक रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में है, दूसरा रेशनल नंबर सी एंड टू डी के फॉर्म में है, और टू रेशनल नंबर। तो ये दोनों रेशनल नंबर अगर इक्वल होगा, ये दोनों रेशनल नंबर अगर इक्वल होगा, तो फिर इक्वल होने के बाद ये कैसे इक्वल होगा, तो आप लोग पिछले वाले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी इक्वल टू बेस साइड रहता था तो इसको ए इंटू सी करते थे और फिर इक्वल टू होता था बी इंटू डी, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये दोनों इक्वल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। और इससे ये इतना ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद ये इट इज क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से सारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा ग्रेटर देन होगा, जीरो से सारा पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन होगा। एंड लेस देन
और जो भी निगेटिव वैल्यू वाला रेशनल नंबर आएगा, निगेटिव रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं, वो जीरो से लेस देन रहेगा। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद एक दो टॉपिक आता है कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर एंड अरेंजिंग ऑफ रेशनल नंबर। कंपेयरिंग मतलब क्या, दो रेशनल नंबर है उसका कंपेयर करना है, जो कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है और कौन इक्वल टू है। कंपेयरिंग में ये तीन चीज देखना रहता है। तो 3 by 4 एंड -5 by 6, तो कंपेयरिंग। अभी जैसे थर्ड प्रॉपर्टीज था आप लोग का ए इंटू सी, थर्ड प्रॉपर्टीज था। तो एक इसका मेथड कंपेयरिंग करने का मेथड है, पहले इक्विवेलेंट कर लेते हैं 3 by -4 एंड -5 by 6। 4 डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, 4 6 4 6 का एलसीएम 6 2 12, तो 12 एलसीएम होगा। 4 के टेबल में 3 टाइम में 12 आता है, 4 3 3 3 9 बाय -12। अल्सो 5 by -6, 2 2 6 2 12 -10 बाय 12 मीन्स 9 by -12 एंड 10 by -12। देन अब इसमें देखना है कौन सा बड़ा है। एक ये अगर ये नीचे में वैल्यू होता है, इसका मतलब ये नहीं, जो इसका ये न्यूमिरेटर में इसका वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -9 by 12 -10 by 12। अब ये तो जरूर आप लोग को पता होगा, जो माइनस में जितना ज्यादा वैल्यू रहता है वो उतना छोटा होता है। और तो अभी इसमें कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है, -9 and -10। -10 ये नंबर लाइन है, जैसे 0 -1, लेफ्ट साइड में माइनस वाला हम लोग शो अप करते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव रेशनल नंबर। 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव रेशनल नंबर दिखाते हैं और प्लस राइट साइड में पॉजिटिव रेशनल नंबर दिखाते हैं। तो -1 again -2 again -3, तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाता है। तो अब ये आप लोग यहाँ से देखिए, -1 greater than -3 इट मीन्स -9 by 12 इज ग्रेटर देन -10 by 12। अब नेक्स्ट अरेंज करना है। पहले तो एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों कर सकते हैं। एक एग्जांपल है अरेंजिंग का, -3 by 5 7 by 10 and -5 by 8। तो सारे का सबसे फर्स्ट में हमको करना क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। फाइव टेन एट का एलसीएम पहले कर लेना है। तो 5 10 8 का एलसीएम 40। तो डिनोमिनेटर में देखेंगे 5 8 40 आ रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों है। उतना ज्यादा स्मॉलर आता है।
तो माइनस 28 बाय 14, तो सबसे स्मॉलर वाला रेशनल नंबर ये हुआ 7 बाय 10 माइनस 5 बाय 8 माइनस 3 बाय 8, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में ये है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर में कंपेयरिंग रेशनल नंबर के टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन है, और फिर एरेंजिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर का जो भी होगा, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आगे इससे रिलेटेड रेशनल नंबर से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक है उसका पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।